हाय एवरीवन, सो हम एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का। तो ये 1 आवर का चार्ट नहीं है, हम इसको 1 आवर के चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप ये 1 आवर का चार्ट देखो तो निफ्टी बहुत टाइम से एक राइजिंग वेज पैटर्न में मूव कर रही है। ये राइजिंग वेज पैटर्न में निफ्टी मूव कर रही है और इसने अभी तक ये अपना पैटर्न ब्रेक नहीं करा है। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन है जो 17,900 से 17,800 तक का है। आज के दिन में निफ्टी ने ये सप्लाई जोन टच करके वो नीचे आया है एंड वो वापस ऊपर गया है। रीटेस्ट, ये एक रीटेस्टिंग भी हो सकती है एंड अगर ये रीटेस्ट है तो निफ्टी को हम रिवर्स होते हुए देख सकते हैं। 17,680 तक निफ्टी जा सकती है। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान करना है कि सबसे पहले ये राइजिंग वेज पैटर्न निफ्टी का ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड यू हैव टू मेक श्योर एंड अगर आप कॉल्स बाय कर रहे हैं कि निफ्टी एटलीस्ट इस कैंडल का लो ना तोड़े। अगर कैंडल का लो टूटता है तो हो सकता है कि निफ्टी ने ये रीटेस्ट करा है या फिर एटलीस्ट ये लो ज़्यादा श्योरिटी के लिए। अगर निफ्टी ने 17,800 ब्रेक करा है तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी नीचे 17,680 तक चली जाएगी। और सेकंड चीज़ आपको ये देखनी है कि आप ये राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक होते हुए ना देखें तो आप अपने पीस चार्ट्स में ये राइजिंग वेज पैटर्न के लिए ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लें। इन केस निफ्टी ने आज का हाई तोड़ दिया विच है 17,895 तो नेक्स्ट निफ्टी को रेजिस्टेंस 18,080 पे फेस करनी पड़ेगी। सो वैसे निफ्टी बहुत बुलिश है, ये राइजिंग वेज पैटर्न इंटैक्ट है। आपको ये बस देखना है कि ये राइजिंग वेज पैटर्न टूटना नहीं चाहिए और निफ्टी आज का ये जो लो है 17,800 का ये नहीं टूटना चाहिए। अगर हम 1 डे का चार्ट देखें निफ्टी का तो MACD कभी भी बियरिश क्रॉसओवर दे सकता है और जो RSI लेवल्स हैं निफ्टी के ये भी ओवरबॉट जोन में है। तो हम निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,173 रहा है। निफ्टी कभी भी थोड़ा सा तो रिट्रेस करेगी, लेट्स सी वो कब करती है। लेकिन आप अपने चार्ट्स में ये राइजिंग वेज पैटर्न क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए एंड इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए। जो लेवल्स है देखने के लिए वो है 17,800 और इसका जो हाई है 17,895, 18,080 एंड 17,780। ये आपको 680 ये आपको लेवल्स याद रखने हैं।